हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष का बनना एक प्रोसेस है, टेंथ क्लास में है, प्लस टू में भी है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद में जब आप इस वीडियो को सारा देख लेंगे, उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस वीडियो के बाद आपको आनी चाहिए, वो क्या है। नंबर एक, यहाँ पर क्या होता है, यानी कि इसको आप कहेंगे रिफ्रैक्शन। एक आपको रिफ्रैक्शन परिभाषित करने आनी चाहिए। हिंदी में अगर बात करें तो अपवर्तन इसे हम कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर, होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर मैं परावर्तन कह रहा हूँ, अपवर्तन नहीं कह रहा हूँ, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, ये तीन पॉइंट्स हैं। अगर आप इन तीन पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इंद्रधनुष आपको क्यों दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी लिंक के माध्यम से इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे आपको हम कोई नई और वीडियो इस चैनल पर डालें तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, हो सकता है यूट्यूब पर इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल जाए इंद्रधनुष के बारे में, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं। हम यूट्यूबर बने हैं सिर्फ इसलिए ताकि इस लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद हैं तो हमारे सरकारी विद्यालय के जो बच्चे जो हैं जितने भी, वो अपने आप को इन्फीरियर ना फील करें प्राइवेट स्कूल के अपेक्षा, कि वो ऑनलाइन ऐसे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं ताकि आप किसी से अपने आप को पिछड़ा हुआ ना महसूस करें। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को कहें, और करते हैं वीडियो को स्टार्ट आज की। स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोट की होगी, जब भी आप इंद्रधनुष देखते हैं तो वो हमेशा ही क्या होता है, सूर्य आपके पीछे होता है, बैक साइड में होता है, कभी भी आपके सूर्य सामने नहीं होता। एक बात आपने ये नोट करनी है, सूर्य हमेशा ही क्या होता है, आपके बैक साइड में होता है। दूसरा, ये हमेशा क्या होता है, बारिश के बाद दिखाई देता है। तो ये दो चीज़ें कॉमन होती हैं कि बारिश के बाद दिखाई देता है, इन बिटवीन बारिश भी हो सकता है, तो अगर कहीं आपको सनलाइट आ रही हो कहीं से, तो इन दो चीज़ों का हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो जब कभी क्या होता है, सूर्य हमारी पीठ के पीछे होता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो जो बारिश की बूंदें होती हैं, छोटी छोटी बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें की बात नहीं करो, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, तो बारिश की बूंदों में एंटर करता है। जब वो एंटर करेगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर है, हवा है, और यहाँ पर क्या है आगे, इसके बाद पानी है, यानी कि वाटर है, पानी की बूंद है। तो जब यहाँ हवा से पानी में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है, जब प्रकाश की किरण, हवा क्या है, एक विरल माध्यम है, एक रेयर मीडियम है, और उसके बाद पानी क्या है, एक सघन माध्यम है, एक डेंसर मीडियम है। हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, लंब की ओर मुड़ती है। जैसे मान लीजिए ये एक लंब है और प्रकाश की किरण यहाँ से, इसको मैं दोबारा कहता हूँ, प्रकाश की किरण क्या होती है, ये है एक किरण, प्रकाश की किरण जा रही है, और ये क्या है, एक लंब है, तो इसने इधर को जाना था अगर सीधे, तो ये लंब की ओर मुड़ेगी। लंब कहाँ को है, ये लंब है, तो इसकी ओर मुड़ जाएगी इस तरीके से, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, तो इसका ठीक विपरीत होगा। अगर सघन से विरल में जा रही है तो वो लंब के दूर जाएगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अब फिलहाल यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। प्रकाश की किरण ये आई, यहाँ पर आप एक लंब गिराएं अगर, तो मान लीजिए ये लंब है, तो इस प्रकाश की किरण जब सीधे निकलना था
वो क्या होगा, अब थोड़ा सा लंब की ओर झुक गई। इधर को लंब की ओर क्यों झुक गई, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, और जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वो लंब की ओर झुकेगी। ये बात आप सबको समझ आई। उसके बाद जब प्रकाश की किरण यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस परिवर्तन को आप क्या बोलते हैं, इस ये जो चीज़ हो रही है इसको बोलते हैं आप अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश की किरण क्या कर रही है, सिर्फ अपना मार्ग बदल रही है थोड़ा सा, सिर्फ अपने मार्ग से वो विचलित हो रही है, मुड़ रही है। ये नहीं है कि वो वापिस ही हट के आ गई। एक होता है यहाँ से गई वापिस इधर को आ गई, मतलब टकरा के वापिस आना, इसको बोलते हैं आप परावर्तन। ये क्या है, परावर्तन है। और जो अभी हम बात कर रहे हैं कि वो यहाँ से जा रही है लेकिन वो वापिस नहीं आ रही, वो क्या हो रही है, इधर को जा रही है आगे को, तो ये मुड़ रही है, विचलित हो रही है, इसको आप बोलते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, और इसके बाद प्रकाश की किरण यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो माध्यम है ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, मतलब घना माध्यम है, और ये जो है क्या बाहर हवा है, ये क्या है, विरल माध्यम है। अब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो प्रकाश की किरण जो है लंब से परे मुड़ेगी, मतलब जो लंब होगा उससे दूर जाएगी। अब वो क्या होगा, ये देखते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई पानी है, ये पानी रख लिया आपने, तो यहाँ पर नीचे ये सारा पानी का एक टैंक बना दिया मैंने, यहाँ से कोई लाइट की किरण जा रही है, यहाँ से हमारे एक टॉर्च ले ली, टॉर्च की एक लाइट किरण यहाँ पर आ गई, तो जब लाइट की किरण यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर जो एंगल आई है, आपतन कोण है जिसके ऊपर ये टकरा रही है, तो ये लंब है, तो ये क्या है, 0 डिग्री है। आपतन कोण क्या होगा, 0 डिग्री, तो ये सीधा ऊपर को चली जाएगी प्रकाश की किरण। लेकिन जब यही प्रकाश की किरण यहाँ टकराएगी तो ये है लंब यहाँ पर, और लंब के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पर कोण आई, एंगल आई, आपतन कोण। जब कोण आपतन कोण क्या है, ये आई है, अब इसने यहाँ से सीधे ऐसे जाना था, लेकिन क्योंकि ये सघन माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, तो सघन से जब विरल माध्यम में जाएगी तो ये लंब से परे को जाएगी, ये इधर को जाएगी, अगर लंब की ओर जाना तो इसने इधर को जाना था, समझ आ रही बात, ये तो ये जाएगी लंब से परे, मतलब ये इधर को जाएगी, ये ठीक है, ये बात समझिए, ये लंब से दूर जा रही है। अगर मैं इस कोण को थोड़ा सा और क्या करूँ, बढ़ा दूँ, मैंने अब यहाँ से पहुँच के यहाँ पर, ये अब कोण आई ये हो गया, आपतन कोण और बढ़ गया, तो क्या होगा, ये लंब से और दूर जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये पानी से के साथ साथ जाएगी। इस कोण को, इस कोण आई को, यानी कि इस कोण आपतन कोण को, कोण ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण इसे कहा जाता है। तो क्रांतिक कोण में क्या होता है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है, एंगल आई की वह वैल्यू है, वह कीमत है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, बाहर नहीं निकलेगी, सघन माध्यम से जब विरल में प्रवेश कर रही है तो क्या कर रही है, वो बाहर नहीं निकल रही है, इसको बोलते हैं आप क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिटिकल मतलब बहुत नाजुक सा हो, तो इसको आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर मान लीजिए इससे भी हम आगे को बढ़ा दें, अगर ये जो है यहाँ से मैंने टॉर्च वो रखी, यहाँ तक वो पानी है, तो यहाँ से भी आगे को बढ़ा दें इस एंगल को, ये एंगल आई आपतन कोण जो है क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया, मतलब एंगल आई ग्रेटर देन एंगल सी, क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा, अब प्रकाश की किरण जो है यहाँ से जो जा रही थी पहले, वो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये आपतन कोण बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा, तो वो अंदर को ही वापस चली जाएगी। ये बात समझनी है आपने, ये क्या है, अंदर को ही वापस चली जाएगी प्रकाश की किरण, यहाँ से प्रकाश की किरण गई ये, और ये वापस आ गई इधर को, तो ये प्रकाश की किरण बाहर निकली ही नहीं, पानी से बाहर निकली ही नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
वर्तन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि जब कोण आई आपतन कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, तो प्रकाश की किरण उस सघन माध्यम से बाहर नहीं निकल पाएगी, वो अंदर ही रह जाएगी। और यही कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। प्रकाश की किरण जब यहाँ से यहाँ पहुँची तो ये जो एंगल आई था, एंगल आई जो था वो क्या हो गया, यहाँ ये आपतन कोण है, ये किससे बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, एंगल आई जो है ग्रेटर देन हो गया एंगल सी के, क्रिटिकल एंगल के, क्रांतिक कोण से। और इसलिए प्रकाश की किरण यहाँ से ना इधर को आएगी ना इधर को आएगी, वो वापस आ जाएगी। समझ आई बात ये? तो यहाँ पर हो रहा है पूर्णांतरिक परावर्तन, और यहाँ फिर वापस क्या होगा, यहाँ पर फिर से अपवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से अपवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, सघन से विरल में, तो क्या होगी, वो लंब से परे मुड़ेगी, लंब की ओर नहीं मुड़ेगी, लंब से परे मुड़ेगी। तो क्या होगा, जब लंब से परे मुड़ेगी तो यहाँ पर जो जो लंब होगा, जब मतलब इसने ऐसे जाना था, ठीक है, तो ये लंब से परे मुड़ेगी, दूर मुड़ेगी, और लंब इधर को आपको दिखाई देगी, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर, यहाँ से किसी इंसान को क्या होगा, वो दिखाई देगा। अब सात रंग क्यों दिखाई देते हैं, उसकी बात करते हैं। सात रंगों में क्यों बनता है प्रकाश, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि जब भी कभी प्रिज्म प्रिज्म से प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो क्या होते हैं, वो सात रंगों में बन जाते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है सात रंगों से मिलके बना है। क्योंकि जब भी इससे प्रकाश की किरण टकराएंगी तो इनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, इनकी स्पीड अलग अलग होती है, तो इससे और इनका साथ में जो विचलन कोण होता है, एंगल ऑफ डी, एंगल जो विचलन कोण होता है, वो क्या होता है, हर एक प्रकाश का अलग अलग होता है। यहाँ पर आपने पिछले में पढ़ा होगा, किसी वीडियो में आपने देखा हो, तो एंगल यहाँ जो डी बनता है, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण हर एक प्रकाश की किरण का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो लाल रंग का सबसे कम होता है तो वो ऊपर दिखाई देता है, और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है तो वो सबसे नीचे दिखाई देता है। तो बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे नीचे दिखाई देगा, लाल रंग सबसे कम होगा, ऊपर दिखाई देगा। तो इसके कारण जो है प्रकाश सात रंगों में बन जाता है, और हमें जो है इस तरीके से एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में इंद्रधनुष के बारे में चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो लगे अच्छा तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर किसी लिंक के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।